thank you बसम जी दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है इस लेक्चर में हम सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी को आप किन किन वे से यूज़ कर सकते हैं या सी एस एस जो बॉर्डर्स हैं बॉर्डर की टाइप्स कौन सी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम थ्योरी को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं द सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी अलाउज़ यू टू स्पेसिफाई द स्टाइल विथ एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है ये आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी एस एलिमेंट को बॉर्डर अलॉट कर सकें उस बॉर्डर को कलर अलाट कर सकें उस बॉर्डर की एक स्पेसिफिक जो एक विथ है वो आप चूज कर सकें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर अवेलेबल हैं यू कैन सी आई हैव बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स ये जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है इसके तमाम साइडों पे बॉर्डर है ठीक है और ये का आपके पास बॉर्डर है तो यहाँ पे लिखा हुआ border, bottom, border, uh, तो यहां पे जो है आई हैव उसके बाद आई हैव बॉर्डर और ये जो बॉर्डर है ये राउंडेड है एंड आफ्टर दैट आई है लेफ्ट ब्लू लेफ्ट बॉर्डर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का लेफ्ट बॉर्डर जो है वो इस स्टाइलिंग में इम्प्लीमेंट हुआ, हुआ हुआ है हम वन बाय वन जितने भी हमारे बॉर्डर्स की जो स्टाइल्स हैं वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, स्टाइल है ये डिफाइन करती है कि आप किस टाइप का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आपके पास कुछ बॉर्डर्स के एग्जाम्पल है नंबर वन डॉटेड डॉटेड डिफाइंस आ डॉटेड बॉर्डर डॉटेड प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी कि आप जो बॉर्डर इंप्लीमेंट करेंगे वो डॉटेड की फॉर्मेट में होगा डेस्ट डैश जो वैल्यू है ये डिफाइन 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 करेगी बॉर्डर सॉलिड सॉलिड क्या करेगा बॉर्डर डबल जो वैल्यू है इसकी जो फंक्शनैलिटी है डिफाइन आ डबल बॉर्डर ग्रोव डिफाइन आ थ्री डी ग्रोव बॉर्डर द अफेक्ट डिपेंड ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू जो ग्रोव है ये बेसिकली आप थ्री डी ग्रोव्ड बॉर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं लेकिन इसमें वो कहता है कि आपकी जो बॉर्डर की वैल्यू है यह डिपेंड करती है आपके इफेक्ट के ऊपर उसके बाद आपके पास रिटिज वैल्यू रिटिज वैल्यू है वैल्य। एंड आपके पास इनसेड वैल्यू है आपके पास आउटसेट वैल्यू है आपके पास नन है और आपके पास हीडन है

ये क्लॉकवाइज चलता है सबसे पहले टॉप फिर राइट right, फिर बॉटम फिर लेफ्ट तो चलते हैं अपने सी एस एस अपने वी एस कोड पर चलते हैं और जाके हम अपना जो हमारा कॉन्टेंट है उसको चेक करते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड पे तो वी एस कोड पे जाने के बाद हम अपना एक जो पेज है वो क्रिएट करेंगे मैं इसको फिलहाल रेस करता हूं ये हमारी लास्ट लास्ट क्लास की वर्किंग है इसको भी मैं रेस करता हूं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूज़ुअल हम क्या करते होते हैं हम एक एच पेज क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एच टी एम एल स्निपिस्ट तो इंटर करते हैं तो यू कैन सी आपका एच जो है पेज अब रेडी हो चुका है इस एच पेज के अंदर आप अपना जो लिंक है वो अटैच करेंगे तो हमने सी की फाइल भी अटैच कर दी सी की फाइल किस तरह से अटैच करनी है ये ऑलरेडी आप लोगों को इसका नॉलेज है यहां पे मैं एच वन लिखता हूं और इसमें लिखता हूं सी एस एस बॉर्डर्स सेव करते हैं इसको राइट right क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट अब जाते हैं जी ओपन विद लाइफ सर्वर एंड यू कैन सी आपका जो कंटेंट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया नाउ चलते हैं हम जो एच वन है इसको एक आईडी पास करते हैं और इसका नाम लिखते हैं चलिए बॉर्डर वन चलते हैं अपने सी एस एस फाइल पे यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी आईडी को एक्सेस करेंगे बॉर्डर वन और यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर एंड आफ्टर दैट अब हम बॉर्डर इंप्लीमेंट करेंगे बॉर्डर हम इसको देते हैं सबसे पहले तो जो हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको डिस्कस करते हैं बॉर्डर साइल हम यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉर्डर स्टाइल है वो देंगे यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है डैस्ट डॉटेड मैं डॉटेड करता हूं इसको ठीक है इसको सेव करेंगे सेव करने के बाद जाएंगे अपने सी पे तो यू कैन सी आपको स्क्रीन पे एक ये जो डॉटेड बॉर्डर है वो नजर आ रहा है सिमिलरली आप चाहें इसको कमेंट करें आप बॉर्डर स्टाइल में लिख सकते हैं डबल तो यहां पे आप इस तरह भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्री पिक्स डबल एंड इसका कलर हमने इसको दे दिया हम इसको सेव करते हैं तो अब चलते हमने पेज पे जी तो मैं इसको पहले ऐसे ही चेक करता हूँ बाद में चलते हैं इसको करते हैं तो यू कैन सी आपके पास जो बॉर्डर है वो डबल आ चुका है ठीक है उसके बाद अगर आप कहते हैं जी आप इसको कोई और चेक करना चाहते हैं आप इसकी जो और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इज सॉलिड तो आप लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड तो सेव करें सेव करने के बाद देखेंगे आप पेज पे जाएंगे तो ये आपका बॉर्डर का स्टाइल है सॉलिड बॉर्डर ठीक है अब इसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी है लेफ्ट राइट बॉटम वो भी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको जो हमारे borders हैं बॉर्डर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लें यहां पे हम लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल और यहां पे हम इसकी वैल्यू ये सिलेक्ट करते हैं तो चलते हैं तो यू कैन सी आपके पास जो बॉर्डर है वो कुछ इस टाइप का है तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हैं आप उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इन योर एच टी एम एल पेज